ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग कहते नहीं हम लोग, सभी लोग आज। हाँ, इंटरनेट का जमाना है, कंप्यूटर चलाते हैं। तो जब कंप्यूटर चलाते हैं तो चलाते चलाते अगर उसमें हमने एंटीवायरस ना डाला तो क्या हो जाता है? वायरस आ जाता है और कंप्यूटर खराब हो जाता है। आपको पता है जब वायरस आ जाता है तो क्या होता है? फिर कंप्यूटर हमारी बात नहीं मानता। कैसी बात नहीं मानता? कई सारी फाइलें बना देगा, अपने आप से हैंग हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें करता है। वो हमारी बात नहीं मानता, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, तो कहते भाई इसमें वायरस आ गया है। ऐसे ही हमारा भी दिमाग क्या है? एज ए कंप्यूटर। तो इसमें भी जब बाह्य रस आ जाता है, कौन सा रस इसमें चला जाता है? इसमें भी जब बाह्य रस आ जाता है, हम बाह्य रस की तरफ ज्यादा मुड़ जाते हैं, तो ये भी क्या करने लगता है? इसका भी साउंड चेंज होने लगता है। कभी कैसी ट्विन निकलती, कभी कैसी ट्विनिंग निकलती, तरह तरह के साउंड हो जाते ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो पांच विकार हैं, उनसे जब हम ग्रसित होते हैं तो आत्मा की साउंड चेंज हो जाती है ना, एक्टिंग भी चेंज हो जाती है। तो उस कंप्यूटर में वायरस आता है और इसमें आता है बाह्य रस। और बाह्य रस के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अतेंद्रिय सुख, यानी अपने अंदर की तरफ, जिसको बाबा कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी कहा गया, अंतर हाथ नहीं कहा गया, अंतर पांव नहीं कहा गया, अंतर्मुखी कहा गया। क्योंकि मुख पे ही सारी कर्मेंद्रियां हैं। सारी कर्मेंद्रियां कहाँ हैं? फेस पे। तो हमें क्या करना है? उन कर्मेंद्रियों के आंतरिक सुख में जाना है। अभी क्या है? हम बाह्य सुख में हैं। और जब बाह्य सुख में जाते हैं तो वो हमारे दुख का कारण बनता है। लेकिन जब हम इंद्रियों के आंतरिक सुख में जाते हैं तो वो हमारे सुख का कारण बनता है। तो अब आप डिसाइड करें, आपको सुख चाहिए या क्या चाहिए?